ए बी और सी ये तीनों आपस में पहले प्रॉफिट शेयर क्या करते थे इन द रेशियो 2:2:1, लेकिन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे इन द रेशियो 5:3:2, और इनकी बुक्स में ये फॉलोइंग वैल्यूज अपीयर कर रही थी: मशीनरी, कंप्यूटर, राइटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये इनकी बुक वैल्यूज हैं: 2,50,000, 2,90,000 एंड 15,000। अब इनकी वैल्यूज को जब रिवाइज किया गया तो ये इनकी रिवाइज वैल्यूज हैं: 3,00,000, 175, 75 एंड 25,000। अब पार्टनर्स चाहते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज की बुक वैल्यू ही आगे कंटिन्यू की जाए, वो इनकी रिवाइज वैल्यू को बुक्स में नहीं शो करना चाहते हैं। मगर इन एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में जो रिवीजन हुआ है उसकी वजह से जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा उसके लिए वो एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहते हैं थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमसे वही कहा गया है बच्चों कि वो एडजस्टमेंट एंट्री जो है आप पास करके दीजिए। तो बच्चों उस एडजस्टमेंट एंट्री को पास करने से पहले आइए ये जान लेते हैं कि हमें इस रिवॉल्यूशन प्रोसेस में फायदा हुआ या नुकसान। मशीनरी में देखिए आप 50,000 का इंक्रीमेंट हो रहा है जो फायदे की बात है। कंप्यूटर में आप 25,000 का फॉल होते हुए देख रहे हैं जो नुकसान की बात है। क्रेडिटर को आप 15,000 कम होता देख रहे हैं ये फायदे की बात है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं ये नुकसान की बात है। एसेट का बढ़ना फायदा होता है मगर लायबिलिटी का बढ़ना नुकसान होता है बच्चों, दैट्स व्हाई ये माइनस किया गया। एसेट का कम होना नुकसान होता है मगर लायबिलिटी का कम होना फायदे की बात है। तो आप चेक करिए कि आपको ओवरऑल फायदा हुआ या नुकसान। तो 50 और 15 65,000 और 25 और 10 35,000। 65,000 प्लस का है, 35,000 माइनस का है, तो ओवरऑल आपका रिजल्ट आएगा 30,000 प्लस। ठीक है बच्चों, यानी कि आपका ओवरऑल इस रिवोल्यूशन प्रोसेस में फायदा हो रहा है ₹30,000 का। ठीक है बच्चों, तो अब आपको जो अपनी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है उस फायदे वाले अमाउंट को जो कि ₹30,000 है उसको ध्यान में रख के करनी है एडजस्टमेंट एंट्री। आपको हर एक पार्टनर का गेन और सेक्रीफाइस निकालना है और उनके रिस्पेक्टिव गेन और सेक्रीफाइस को मल्टीप्लाई करना है इस ₹30,000 से। एंड क्योंकि ये रिवॉल्यूशन गेन है तो हमारी जो एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी वो गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर बनाई जाएगी। तो आइए बच्चों पहले ए बी और सी तीनों का गेन और सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। ए का पुराना शेयर है 2/5, नया बी का पुराना शेयर है 2/5, सी का पुराना शेयर है 1/5। ए का नया शेयर 5/10, बी का नया शेयर 3/10, सी का नया शेयर 2/10। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 1/10, ये आएगा प्लस का 1/10 और ये आएगा जीरो। इसका मतलब ए गेन कर रहा है और बी जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। दोनों के गेन और सेक्रीफाइस को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस रिवॉल्यूशन के गेन से, तो ये आएगा अमाउंट 3,000, ये भी आएगा 3,000। ए क्योंकि गेन कर रहा है इसलिए वो डेबिट हो जाएगा और बी जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। तो बच्चों एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी? एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। आइए उसको बना भी लेते हैं। तो क्योंकि ये रेवोल्यूशन गेन है तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री में गेनिंग पार्टनर को ही डेबिट करा जाता है बच्चों और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट। और अमाउंट कैसे निकाला जाता है मैंने आपको बता ही दिया है। इनके रिस्पेक्टिव गेन और सेक्रीफाइस को रिवॉल्यूशन के गेन से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो भी अमाउंट निकल कर आए थे उन अमाउंट से एडजस्टमेंट एंट्री बना लीजिए। और इस तरह से हमारी ये एंट्री बन गई और हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया बच्चों। अजीत, विजीत और सुजीत ये तीनों पार्टनर्स पहले आपस में प्रॉफिट शेयर किया करते थे इन द रेशियो 5:3:2, लेकिन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे आपस में इन द रेशियो 2:5:3। जिस दिन उन्होंने डिसाइड किया कि अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं तो उस दिन जो है उन्होंने इन फॉलोइंग पॉइंट्स पे भी एग्री किया।
लैंड जिसकी बुक वैल्यू है ₹1,00,000, इट वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय ₹2,50,000। तो लैंड जिसकी वैल्यू ₹2,50,000 अंडर वैल्यूड पाई गई, यानी इसे ₹2,50,000 बढ़ाना चाहिए था। ठीक है बच्चों, या इसकी वैल्यू ₹2,50,000 ज्यादा होनी चाहिए थी, अंडर वैल्यूड है तो बढ़ाना चाहिए बच्चों। ठीक है, स्टॉक जिसकी बुक वैल्यू ₹4,00,000 है, इसे पाया गया ओवर वैल्यूड, और कितना ओवर वैल्यूड पाया गया ₹3,00,000। तो यह पाया गया कि जो स्टॉक है उसकी वैल्यू को ₹3,00,000 कम करना है, अंडर वैल्यूड है तो बढ़ाना है, ओवर वैल्यूड है तो कम करना है, इस बात को याद रखिएगा बच्चों। अब हमें ये कहा गया कि ये इनकी बुक वैल्यूज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, अफेक्ट नहीं करना चाहते हैं, और आगे भी यही बुक वैल्यूज कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो ऐसे में इन्हें आप एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है ताकि इसके इफेक्ट को, इनके चेंजेस के इफेक्ट को शो किया जा सके थ्रू कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए हमें हर एक पार्टनर का गेन और सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा, और उससे ही पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें फायदा हुआ या नुकसान इस रिवॉल्यूशन प्रोसेस में, उसके हिसाब से भी एंट्री बनानी पड़ेगी। अगर रिवॉल्यूशन में गेन हुआ होगा तो एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और रिवॉल्यूशन प्रोसेस में अगर लॉस हुआ होगा तो एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर। ठीक है बच्चों, तो हम गेन सैक्रिफाइस तो निकाल लेंगे, लेकिन उससे पहले ये निकाल लेते हैं कि रिवॉल्यूशन में हमें फायदा हुआ या नुकसान। तो बच्चों जो लैंड है उसमें तो आपको 2,50,000 का फायदा ही हो रहा है क्योंकि उसे हमें बढ़ाना है, मगर जो स्टॉक है उसमें हमें 3,00,000 का नुकसान हो रहा है क्योंकि हमें उसको कम करना है 3,00,000। ठीक है बच्चों, तो जो नेट इफेक्ट आएगा वो 50,000 लॉस आ रहा है, तो यानी इस रिवॉल्यूशन को अगर करा जाता तो रिवॉल्यूशन में हमें लॉस होता, हमें लैंड को 250 बढ़ाना पड़ता मगर स्टॉक को 3,00,000 कम करना पड़ता, हमें 50,000 का लॉस हो जाता। अब हम लैंड को बढ़ाएंगे नहीं, स्टॉक को कम नहीं करेंगे, लेकिन इस लॉस के लिए अपनी एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री जरूर पास करेंगे, और वो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कैसे बनेगी देख लीजिए। एंट्री बनाने से पहले बच्चों अजीत, विजीत और सुजीत तीनों का गेन सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं। पुराना शेयर 5/10, 3/10, 2/10, नया शेयर 2/10, 5/10 और 3/10। ये आया सैक्रिफाइस 3/10, ये गेन आया 2/10, ये भी गेन आया 1/10। सबके गेन और सैक्रिफाइस को रिवॉल्यूशन के लॉस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जो हमने अभी निकाला 50,000। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा 15,000, ये आ जाएगा 10,000, ये आ जाएगा 5,000। एंड क्योंकि इस रिवॉल्यूशन प्रोसेस में लॉस हो रहा था तो इसके एडजस्टमेंट एंट्री में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को डेबिट करना है और गेनिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करना है। तो ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है और ये दोनों गेनिंग पार्टनर्स हैं। ठीक है बच्चों, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को डेबिट करिए और गेनिंग पार्टनर्स को क्रेडिट कर दीजिए, तो एंट्री क्या बनेगी बच्चों? एंट्री बनेगी अजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट, आप लोग पूरा नाम लिखिएगा बच्चों अजीत का, टू विजीत कैपिटल अकाउंट, तो सुजीत कैपिटल अकाउंट। यहां अमाउंट आएगा बच्चों 15,000, यहां आएगा 10,000 और यहां आएगा 5,000। तो इस तरह से एडजस्टमेंट एंट्री बनाई जाएगी। ये रिवॉल्यूशन लॉस हुआ था बच्चों, दैट्स व्हाई हमने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को डेबिट किया है और गेनिंग पार्टनर्स को क्रेडिट किया है।